हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। मैं हूँ प्रियंका और अपने इस चैनल पर मैं शेयर करती हूँ बहुत सारी रेसिपीज़ और कुछ वीडियोस अपने घर और गार्डन से। आज मैं बना रही हूँ ये विगली क्रीमी स्वीट एंड डिलीशियस यम्मी सा कस्टर्ड पुडिंग, जो कि मार्बल इफेक्ट के साथ है, यानी जेब्रा कस्टर्ड पुडिंग। तो इसमें मैंने चॉकलेट और वनीला दोनों फ्लेवर का इस्तेमाल करा है और ये बहुत ही विगली और यमी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसलिए एक बार तो इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करिए। बनाना बहुत सिंपल है, सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 5 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर और 100 ml मिल्क, यानी कि आधा कप मिल्क में इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्ब्स ना रह जाएँ। बहुत ही आसान रेसिपी है। और साथ अब मैं गरम कर रही हूँ 500 ml मिल्क, आधा लीटर मिल्क, और इसमें डाल रही हूँ 1/3 कप ये खंडसारी शुगर। और अब इस शुगर को भी इसमें अच्छे से मिक्स करना है और साथ ही ठंडे ही दूध में हम डाल देंगे अपना कस्टर्ड पाउडर जो हमने दूध में मिक्स करके रखा है साइड में, उसको अब हम इस बड़ी क्वांटिटी ऑफ मिल्क में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमें इसको बॉयल करना है और बॉयल करते हुए अच्छे से चलाते रहना है ताकि जो कस्टर्ड है वो नीचे जाकर बैठ ना जाए, चिपक ना जाए। तो बस इसको फ्रीक्वेंटली आप स्टर करते रहिए और इसको तब तक बॉयल करिए जब तक कि आपका मिक्सचर जो है ऐसे थिक और एकदम शाइनी ना हो जाए, कोटिंग कंसिस्टेंसी ना हो जाए और शाइनी भी ये दिखने लगेगा, दैट्स योर सिग्नल कि अब आपको गैस बंद कर देना है। तो बस इसको अब बनाकर एक बार साइड में रखिए। और डिवाइड कर रही हूँ मैं इसे दो पार्ट्स में इक्वल, क्योंकि मैं जेब्रा इफेक्ट देना चाहती हूँ, मार्बल इफेक्ट देना चाहती हूँ। तो इसी कस्टर्ड को मैं इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी और एक पार्ट में मैं डाल रही हूँ ये 100 ग्राम्स चॉप की हुई चॉकलेट, और थोड़ी सी चॉकलेट मैं बचा के रख रही हूँ बाद में डेकोरेशन के लिए। अब ये ऑलरेडी हमारा कस्टर्ड इतना गर्म है कि चॉकलेट फटाफट मेल्ट हो जाएगी इसी में, तो बस इसको हल्का सा मिक्स मैंने किया और देखिए चॉकलेट एकदम मेल्ट हो गई है। कोई लम्ब्स ना हो इसलिए मैंने एक बार विस्क से चला लिया है। तो ये हमारा चॉकलेट कस्टर्ड भी रेडी है और वनीला कस्टर्ड भी। अब हमें करनी है इनकी लेयरिंग। तो एक एक करके दोनों को अपने बोल में हम डालते जाएंगे लेयर बाय लेयर। थोड़ा सा अगर आपको चाहिए कि चॉकलेट कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी भी वनीला जैसी ही पतली हो, तो आप जब चॉकलेट डालें तो उसमें थोड़ा सा बॉयल्ड मिल्क और डाल सकते हैं, लगभग 1/4 कप, तो दोनों ही फिर पतले रहेंगे। और फिर ये लेकिन खाने में कोई ऐसा डिफरेंस पता नहीं चला, और दोनों की कंसिस्टेंसी से खाने के समय कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा आपको। और बस ऐसे ही जितनी भी लेयर्स बने आपको एक एक करके चॉकलेट वनीला की लेयर बनाते जाना है। उसके बाद इसे करिए रेफ्रिजरेट मिनिमम 2 आवर्स के लिए, या फिर आप चाहें तो ओवरनाइट छोड़ दीजिए, या कम से कम मतलब 2 घंटे जब आप इसे सेट होने देंगे तो ये बहुत बढ़िया आपका सेट होकर निकलेगा। बाउल को ग्रीस भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप आसानी से आपका छूट जाएगा। तो देखिए ये जम कर मेरा आ चुका है कस्टर्ड, मैंने काफ़ी देर के लिए फ्रिज में रहने दिया था एक्चुअली। तो अब मैं बस इसकी साइड्स को ऐसे पुश इन कर अंदर की तरफ पुश करके साइड्स को छुड़ा रही हूँ और ये इजीली निकल आएगा, कोई बाउल को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। इजीली कस्टर्ड जब जम जाता है तो आसानी से एकदम पुडिंग की तरह सेट होकर बाहर आ जाता है। ये देखिए कितने आराम से हमारा विगली कस्टर्ड पुडिंग निकल कर आ गया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम विगली एंड सॉफ्ट। और अब बस जो बची हुई चॉप्ड चॉकलेट है मैं उससे ये क्विक सा डेकोरेशन कर देती हूँ और अब आपको इसकी एक स्लाइस दिखाते हैं कि अंदर से ये कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट, क्रीमी, ठंडा एंड मीठा। कभी कभी जब ऐसी चीज़ों की क्रेविंग हो तो इसे बनाना भी बहुत आसान है, फटाफट से बनाइए और खाइए इसको। देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आया है डुअल कलर टोन का, और बहुत बढ़िया सा एक डिज़र्ट आपका क्विकली बनकर तैयार है, बहुत सॉफ्ट और टेस्टी। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू डू ट्राई इट प्लीज़ लेट मी नो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।